जी बी ट्रू न्यूज़ एच डी के नाजरीन की खिदमत में अशरा बासी का सलाम पहुँचे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक चाइनीज़ क्यूजीन ओपल चौक वाकेंट। मेरे आतप में आप देख सकते हैं हमारे शिगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक भाई हैं सईद शम्स साहब, जो यहाँ पर बल्तिस्तान से यहाँ आए हुए हैं और उनकी पूरी फैमिली यहाँ बसी हुई है। और इस वक्त जो है यहाँ पर वो स्टॉल लगाते हैं, यहाँ पर आपको जो है फास्ट फूड के साथ साथ जो चाइनीज़ राइस है, जितने भी चाइनीज़ डिशेस हैं वो यहाँ लजीज और मज़ेदार किस्म के, और इस महंगाई के दौर में जो है आप रीज़नेबल प्राइस पर आप यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। एक मोटिवेशन है गिलगित बल्तिस्तान की यूथ के लिए कि जो बेरोज़गारी का रोनर होते हैं उनके लिए ये एक मिसाली हमारा एक किरदार है। सईद शम्स शिगरी साहब जो हैं यहाँ के इस पाक चाइनीज़ क्यूजीन के ओनर हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि जो सिलसिला उन्होंने जो यहाँ पे सेटअप बनाया है, इस हवाले से इन्होंने कैसे इस चीज़ को यहाँ पे सेटअप बनाया और इसका ख्याल कैसे आया, और उसके बाद जब ये कारोबार चलने लगा तो इसके इन्होंने क्या शुरू शुरू में क्या क्या परेशानियाँ सामने थी, और अब के बार जो है अभी कैसा चल रहा है और अभी कितने बंदे इनके अंदर एम्प्लॉइज़ हैं, इस हवाले से हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जी वी ट्रू न्यूज़ का बहुत मशहूर हूँ, उनका तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने टाइम निकाल के हमें जो मतलब लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों तक लोगों को दिखाने के लिए आपने जो टाइम निकाल के हमें यहाँ तशरीफ लाए। शिगर साहब का ताल्लुक है जी जी शिगर वजीर, तो बताइएगा कि ये जो सेटअप आपने लगाया है ये कितना अर्सा हुआ है और किस तरह से आपका ख्याल आया कि ऐसा सिस्टम यहाँ पर मैं चला सकता हूँ? अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल ऑलमोस्ट हो गए, 2 साल 1 महीने मेरे ख्याल से हो गया अभी, तो ख्याल तो जाहिर सी बात है हमारे फील्ड यही है। तो पहले मलेशिया में होता था, इससे पहले वहाँ पे अपना रेस्टोरेंट था, उसके बाद जो से ना यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो आपको पता है जब कोरोना आया तो काफ़ी सारे मसाइल सब के साथ था, उन सब का सामना करना पड़ा, तो फिर स्टेप लिया छोटे से, चलो बंदा कुछ ना कुछ बंदा कर ले ये सोच के काम। अब मैं देख रहा हूँ क्या कि सब हमारे और भी जो बल्तिस्तान से हमारे जी जी सारे स्कर्दू के लड़के जी जी और काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से इनकी सैलरीज वगैरह आप एफोर्ड करते हैं, आपकी मंथली जो कारीगर ओनर होते हैं उन हवाले? 5-6 लड़के मेरे साथ काम करते हैं, उन सब का सबकी सैलरीज और किचन का किराया और अपना घर का खर्चा सारा इसी से अल्हम्दुलिल्लाह निकालते हैं। तो सर से यही कहना चाहूँगा, जो भी मतलब कहते हैं ना कि बेरोज़गारी है, काम नहीं है, इनकम नहीं, ऐसा नहीं है। आप नियत साफ रख के दिल से मेहनत करें और ईमानदारी से काम करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद बखुद बरकत देते हैं। बहुत से ऐसे भाई हैं जिनका जो कुकिंग हुनर जो है ये कुकिंग के शोबे से जो वाबस्ता है, जिनके लिए अगर आप बस्ती में कुछ पैगाम देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। जो मतलब जैसे लोग हैं जो हमारे वहाँ पर लोकल बल्तिस्तान में है जो सही तरह से मतलब चीज़ें वो नहीं कर पाते, उनके लिए अगर आप बस्ती में कोई पैगाम देना चाहें तो भी ना गामला यूज़र भी जो शुरू से लेकर शुरू ना दूसरे तक नती जितने भी नती ये तो फुल ना जो फारिक दुख बस अच्छी नच्ची स्टेप लेना चाहिए लेन मेरे गुस्किन जो, और जितना हो सके मतलब ज़रूरी मैन यानी एकदम से मतलब रातों रात यानी करोड़पति वे या अमीर वो ज़रूरी मैन जो शुरू से कभी सौ फीमैन कभी वैसे मैन जो वाला फारिक दुख बस अच्छी नच्ची सोसे ज़ाती तौर पर चीन चीज़ स्टेप लेन न रहे अल्लाह ताला खुद खुद जिनसे बरकत मिले जो, क्योंकि तिजारत सुन्नत से इंजुद है हमारे यहाँ से कदम बढ़ाए जो खुदा से खुद खुद इंशाल्लाह अति मेहनत के फल थे इंजुद हमारे। तो उसके साथ साथ बहुत शुक्रिया हमारा ये आपको पूरा गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे भाई बसते हैं हमारे जो पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर जितने भी ममालिक हैं जहाँ पर हमारे बल्कि कम्युनिटी या गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई बहन जो है वो आपको देख रहे हैं, तो इसी तवसुत से और मैं ये कहना चाहूँगा कि आइए जो भी हमारे भाई बहन जो इस आसपास वाकेंट टेक्सला एरिया में रहते हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि एक दफ़ा
पार्क चाइनीज़ क्यूजिन सेंटर का ज़रूर विज़िट कीजिए, और यहाँ के जो हमारे शम्स भाई के हाथों के बनाए हुए जो यहाँ पे खाने जो मिलते हैं एशिया, उनका ज़रा एक लुत्फ़ उठाएँ और देखें कि कैसे हमारे गिल बल्तिस्तान से आए हुए हमारे लोग जो हैं यहाँ पर हलाल रिज़्क के हुसूल में किस तरह से कोशां हैं और कितने शानदार अंदाज़ में, कामयाब अंदाज़ से अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं।